Sanjay Chauhan. हेलो. अरे काफी लोग. हाय मैम. अरे काफी ग्लिटर शूटर. पैसा पैसा ही तो है मैम. और क्या है आपको लग रहा है? अरे सर आप जानता नहीं मैं आपको, बट आप तो बहुत इज्जत हो रहा हो यार. दिल्ली में लोग इज्जत नहीं देते क्या? हाय मैम कैसे एक दूसरे के साथ नॉट टुगेदर. हाँ लग गया आपकी शक्ल से. आप अगर होने की प्रोबेबिलिटी भी थी वो जीरो है अब उसकी. ये मेरे साथ नहीं. मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ, मेरा काम है ये. कॉमेडी तो होती रहेगी, बहाने हैं दो दिलों को मिलाने का. किसी के दो दिल मिल जाएं बुराई क्या है भाई साहब? 100-200 बन जाएंगे हमारे भी यार ऐसे. तो बुराई क्या है बता रहा हूँ मैं. नहीं कोई है, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? उसकी आंखें बाहर निकल आई आंटी की. अरे आंटी, ओ आंटी से प्रॉब्लम नहीं हुई को. इनको आंखों से प्रॉब्लम नहीं हुई. देख रहे हो आप आंट? यही देख रहा था मुझे बस. देख रहे हो काफी सही. सर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं. ये साथ में आपका ओला ड्राइवर लेके आओगे साथ में? लोग ले आते हैं यार. आप दोनों के साथ ही आए ना? पर ये तो ऐसे कैसे ये ओला शेयर में आए हो तीनों? कह रहे क्या कर रहे हैं आप खाली? अगर खाली हूँ तो करो मनोज चलो तुम भी. क्या नाम है आपका? कुलदीप. हाँ वो एक ही बात है, वो सेम ही गोत्र के लगते हैं दोनों नाम. हाँ हाँ बता रहा हूँ. आप दोनों गेटिंग मैरिड? ओ दुख है मुझे. आपको मैं अपने समझाएंगे कि अरेंज मैरिज कर लो. काफ़ी सही, कूल माँ बाप हैं. क्या बताया नहीं उनको? क्या बात है. तो उन्होंने क्या देखा आप? अबे आऊँगा उस वाले. मैं उस वाले सवाल पे आने वाला हूँ थोड़ी देर में. बट द पॉइंट इज ये असली लड़की बता रहा हूँ इस बात पे. ये सर्दी में जो मफलर पहन के निकलती है लड़के मफलर पहन के, वो है ये बता रहा हूँ मैं आपको. आप दोनों कैसे जानते हैं दूसरे को मैम? फ्रेंड्स विद बस इस रिश्ते को रिश्तेदारी बदली है. आप मतलब फोटोग्राफर हैं आज रात के? आप कैब बुक करना काम इसी का है इसके बाद. आपको क्या वरना क्यों लाया आपको बताओ? आपको लड़कों की इज्जत नहीं है दुनिया में. हाँ तो कैब चलाई थोड़ी ना आपने. ओटीपी तो उसने दिया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है. पहली बार ओटीपी है गाड़ी में आई है ना, पहली बार बैठ के ओला में. ऐसे लोग होते हैं यार. हम ओला में आइए बैठ के ओला में, खिड़की हमने खुद ही खोली. कौन शो ऑफ करता है बताओ? ओला कौन शो ऑफ करता है आजकल? कोई बात नहीं यार. वो ड्राइवर ले आई साथ में, ये ओटीपी ले आई. पता है जिंदगी समाज ही अलग चल रहा हमारा यार. अरेंज मैरिज किसी की? आप मैरिड हो? नहीं. काफी क्या सोचा है? कुछ नहीं. उसने तो सोचा होगा तुम्हारा पैकेज ठीक नहीं है. इस बात पे हंस रही है, देख रहे? नहीं नहीं होता, ये सब चीजें देखी जाती हैं. आर यू मैरिड मैम? नो. क्या देखते हो? ऐसे आदमी शादी क्यों भी बताते हो? शर्म आ रही है आपको? मैं खाने की बातें कर रहा हूँ, उनकी आंखें खुलती जा रही हैं. ओला में खाना नहीं मिलता है ना? ड्राइवर कैसे खिला रहे तुम उसे ऐसे? ये ई रिक्शा वाली सवारी हैं जो ड्राइवर भी चिपक के बैठते आगे, चिपक के ऐसे बैठ के ऐसे जाते ऐसे ऐसे. वो है ये ड्राइवर को सिगरेट पिला रहे अपने मुंह से. भैया तुम रिलेशनशिप अलग है इनके भाई साहब. कैसे जानते हैं एक दूसरे को? इनके पति आप और ये हंसने लगे बात. मैं बता रहा हूँ इसका साजिश थी तुम्हें लाने की और आगे बैठा के. आप कभी पहले मैम आए हो स्टैंड अप शो में कभी? नहीं. वो तो ठीक. आप बिना एकदम इमोशनल हो रहे हो. किसी और के में आए हो तो आगे बैठे थे उसमें भी आप?
हाँ तो भी यही गलती कर दी आपने। ऐसे ओला ड्राइवर आगे बैठते हैं सारे, वो देखो ओला वाली मालकिन बैठी है। क्या करते हो वैसे ब्रदर आप? कहा था स्मगलिंग करता है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये ग्रीन टी स्मगलिंग कर रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको। मोबाइल चाइना के मोबाइल, वो भाई बहन चेक कर लो एक बार। देखो भाई के नाते बता रहा हूँ मैं आपको, कल के दिन इंपोर्ट करके ये खुद ही इंपोर्ट हो जाए। पर नहीं, काफ़ी है, कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में। ये कौन यूज़ करता है? ये यूज़ नहीं कर रहा, इसकी लग रही है मोटोरोला यूज़ करने की, बट नहीं कर रहा, देख लो आप यूज़ कर रहे हो? ये कभी कैब वाले को, वो जिसके पास मोटर बैठी ना उस कैब में, ये प्रोफेशनल ओला वाले, बताओ मैडम ध्यान रखना अगली बार। एक तो वो बंदा बोलता है हेलो मोटो, कैसा है ये तो, हेलो मोटो बंदा। मैं कह रहा हूँ मैं कर लूंगा कम यार अपने आप। बहन देख लो, बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के नाते बता रहा हूँ, चेक करवा लो आप अपना। देखो मैडम उसके रिश्ते में देख रही है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख से दुखी है, बता रहा हूँ मैं आपको। कोई बात, आपकी हम शादी भी करवा रही है आपकी। देखो पता है आप अपने साथ में अपना जहर लेके घूम रहे हो, वो अपना लेके घूम रही है, जहर लेके घूम रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। जरूरत नहीं है आपको, बता रहा हूँ बजाएंगे आपको। पॉल्यूशन वॉल्यूशन पीछे है इनके, आगे निकल चुके हैं उससे। करानी है मैम इसे? मैम क्या चाहिए आपको लड़के में? एक क्या बताया था आपने, क्वालिटी बताई थी आपने। उसने सपने सजा लिए हैं, वो ऐसे कर चुका है प्री वेडिंग में, ओला के ऊपर बैठे हो आप दोनों। ओला में रूफ टॉप नहीं होता ना ऊपर, तो खिड़की से निकल निकल के ऐसे ऐसे लव यू जिंदगी। मैडम आपको तो एक और कर लो। आप ऐसे कितने लोग एमबीए, कोई एमबीए यहाँ पे, कोई एमबीए? एक आध होगा काफी। मैं सिर्फ आपसे जाना, नहीं नहीं सुन लो मेरी बात, डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत। मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज तुमने मेरी बातों में नहीं कही है, मतलब आप हर चीज में आके, अच्छी बात है, यू आर माई टारगेट ऑडियंस। ये गर्व वाला साइन करो ऐसे, नहीं नहीं अरे बोलना चाहिए ऐसा। आपने मौत, किसी ने मौत देखी है? ये वो लोग हैं जिनको क्लास में कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। वो तो नहीं, मैं पूछती है इस सवाल का आंसर कौन देगा, ये बता देगा मैं तो उससे नहीं पूछेगी मैडम। ये वो था, इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली पढ़ने के बाद। मैडम प्लीज शार सम इंपॉर्टेंस ऑन हिम ना। मैडम वुड यू लाइक टू, मैं बता रहा हूं इसको उतना शो में मजा नहीं आ रहा जितना आपकी बेइज्जती में मजा आ रहा है। मैं बता रहा हूं सीट पे कूद कूद के नाच रही हो रही है, बता रहा हूं कूद कूद के। भाई साहब बता रहा हूँ यहाँ से निकलते ही बाहर अपने अपने ई रिक्शा ले लेना दोनों। कोई तुम चला रहे थे बोला। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो लिफ्ट के दोनों बटन दबाते हैं, फिर लिफ्ट कहती है भाई साहब क्या आदमी है ये। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो फेसबुक पे लिखते हैं ऑसम, और ऑसम की स्पेलिंग होती है ओ एस एम।